सेवइयों का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। मुंह में घुलते ही जैसे जीवन में मिठास भर गई हो। और यदि आप इसका बिजनेस करें तो एक महीने में ही आप अपने जीवन में मिठास ला सकते हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे दूध फेनी सूत फेनी सेवइयों का बिजनेस करते हैं। दूध फेनी सूत फेनी, जी हाँ, ये भी एक प्रकार की सेवइयाँ ही हैं, लेकिन डीप फ्राइड और लच्छेदार। रमज़ान के महीने में और सावन के महीने में इसकी खपत अधिक मात्रा में होती है। रमज़ान के दिनों में लोग इसे शाम को इफ्तारी में और सुबह सहरी में खाना अधिक पसंद करते हैं। सावन के महीने में प्रसाद के रूप में स्वादिष्ट व्यंजन के रूप में इसे लोग खाना पसंद करते हैं। तो चलिए जानते हैं इस बिजनेस को कैसे कर सकते हैं, कितनी लागत आ सकती है और कितना मुनाफा कमा सकते हैं। दूध फेनी सूत फेनी किसे कहते हैं? दरअसल दूध फेनी सूत फेनी सेवई का ही रूप है, लेकिन इसे बनाने का तरीका थोड़ा अलग है। इसे बनाने के लिए लोई का लंबा सा खींच कर फिर घी में भरी हुई कढ़ाई में डाला जाता है और जब तक ये तैयार ना हो जाए तब तक कढ़ाई में तला जाता है। फिर इसे निकाल कर घी निचोड़ने के लिए अलग रख देते हैं। रमज़ान का महीना शुरू होते ही इसकी डिमांड बढ़ जाती है। यदि आप भी इस ईद में मिठास भरना चाहते हैं तो आप इसका स्टॉल लगाकर बेचने का व्यवसाय कर सकते हैं। यदि आपके पास इतनी लागत है और आपके पास इसको बनाने का या इसके लिए कर्मचारी रखने का इंतजाम है तो आप इसे बनाकर बेचने का भी काम शुरू कर सकते हैं। दूध फेनी सूत फेनी बनाकर बेचने का बिजनेस। यदि आप दूध फेनी सूत फेनी को बनाकर बेचने का व्यवसाय करते हैं तो इसके लिए आपको एक दुकान लेनी है, कुछ कर्मचारी महीनावारी पर रखने होंगे। आपको अगर दूध फेनी सूत फेनी बनानी आती है तो ठीक, वरना एक ऐसा व्यक्ति हायर करना है जिसे सेवई बनानी आती हो। दूध फेनी सूत फेनी होलसेल में खरीद कर या थोड़ा थोड़ा बना बनाया खरीद कर बेचने का बिजनेस। यदि आप सिर्फ बनी बनाई दूध फेनी सूत फेनी को थोक में खरीद कर बेचने का व्यापार करना चाहते हैं तो आप इसी बिजनेस को एक स्टॉल लगाकर शुरू कर सकते हैं। यदि आपके पास खुद एक दुकान है या आप किसी और सेवा की दुकान खोलकर बैठे हैं तो भी आप साइट में इसे शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस अपनी दुकान में दूध फेनी सूत फेनी को रखना है और एक बैनर लगा देना है जिससे लोगों को पता चल सके कि आप ये भी काम कर रहे हैं। जो लोग दूध फेनी सूत फेनी बनाते हैं आप उनसे थोक में खरीद सकते हैं। इस बिजनेस को आप अपने गाँव कस्बे और शहर में शुरू कर सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि इसमें अधिक लागत नहीं आएगी। दूध फेनी सूत फेनी के बिजनेस में कितनी लागत आएगी? यदि आप स्टॉल लगाकर इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो आपको 5,000 से 10,000 तक लगाने पड़ सकते हैं। यदि कोई दुकान किराए पर लेकर शुरू करना चाहते हैं तो दुकान का किराया मिलाकर आपको 10,000 से 20,000 रुपए लगाने पड़ सकते हैं। यदि आप दूध फेनी सूत फेनी को खुद बनाकर बेचना चाहते हैं तो आपको 50,000 तक लगाने पड़ सकते हैं, लेकिन 50,000 में आप काफ़ी अच्छे स्तर पर इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। दूध फेनी सूत फेनी के बिजनेस में कितना मुनाफा कमा सकते हैं? इस बिजनेस में मुनाफा आपकी दुकानदारी पर निर्भर करता है। यदि आप ऐसी जगह में दुकान लेते हैं जहां आप आसानी से दुकानदारी कर सकते हैं, लोगों की भीड़ रहती है, तो आप हर महीने 30,000 से 1,00,000 तक कमा सकते हैं। इसलिए जब भी दुकान या स्टॉल लगाने का चयन करें तो लोकेशन खास ख्याल रखें। रमज़ान के महीने में दुकान किसी मस्जिद के आसपास लगाएं जिससे लोगों की नज़र आपकी दुकान पर पड़ती रहे और वह नमाज़ पढ़कर जब भी निकलें तो सीधे आपकी शॉप पर आ जाएं। सावन के महीने में भी दूध फेनी सूत फेनी खाने का चलन है। खासकर उत्तर प्रदेश बिहार जैसे राज्यों में लोगों को दूध फेनी सूत फेनी काफ़ी अच्छी लगती है। ऐसे में आप सावन के महीने में यदि इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो दुकान या स्टॉल ऐसी जगह लगाएं जहां मुख्य मार्केट हो या भीड़ भाड़ वाली जगह हो जिससे लोग आसानी से आपकी शॉप पर आकर शॉपिंग कर सकें। कर्मचारी कितने हों? यदि आप इस बिजनेस को छोटे स्तर पर शुरू करना चाहते हैं तो आप अकेले कर सकते हैं। अकेले आप इसे बनाकर बेच भी सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे बड़े स्तर पर करना चाहते हैं तो आपको साथियों की आवश्यकता होगी। आप चाहें तो अपने परिवार के सदस्यों को भी काम पर लगा सकते हैं। पूरा परिवार मिलकर इस बिजनेस को कर सकता है। यदि आप परिवार के लोगों को इसमें सम्मिलित नहीं करना चाहते तो आपको 2 से 4 लोगों की आवश्यकता होगी। एक कारीगर दूध फेनी सूत फेनी बना रहा होगा, एक ग्राहकों को संभाल रहा होगा और इस तरह आप एक एक करके काम को बांटकर अच्छे से व्यापार को कर सकते हैं और खूब मुनाफा कमा सकते हैं। अपनी दुकान के स्टाफ को कैसे आसानी से मैनेज करें? ओके स्टाफ को मैनेज करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन ओके स्टाफ के साथ आप अपनी टीम और स्टाफ को बेहद आसानी से मैनेज कर सकते हैं। स्टाफ की सैलरी, उनकी अटेंडेंस बहुत ही आसानी से मैनेज की जा सकती है। इस ऐप के माध्यम से आप सभी कर्मचारियों की जवाबदेही भी तय कर सकते हैं। इसमें बिना किसी समस्या के आप हर एक कर्मचारी को उसकी काम, छुट्टी, बोनस, परफॉर्मेंस, सैलरी आदि बता सकते हैं कुछ ही क्लिक्स में।
खास बात यह है कि उनके स्टाफ काफी सारी लोकल भाषाओं में उपलब्ध है, जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु आदि, इसलिए आपको भाषा से जुड़ी समस्या नहीं होगी। ओके स्टाफ ऐप के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप इस लिंक पर क्लिक करें। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ओके स्टाफ वीडियो का लिंक पा सकते हैं। स्टाफ को बेहद आसान तरीके से मैनेज करने के लिए अभी डाउनलोड करें इसे गूगल प्ले स्टोर पर। ओके स्टाफ ऐप के डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।